कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बनाने वाले जी मीठी मीठी कस्टर्ड सेवैयाँ, जो बहुत ही जबरदस्त और जल्दी बन जाती है। तो चलिए जी, इसे करते हैं बनाना शुरू। हाँ जी, तो यहाँ ले लिए हमने सेवैयाँ, जो कि है 150 ग्राम्स, आपको नजर आ रहा होगा। साथ में ले लिए जी 100 ग्राम शुगर, 10 कैश्यूज को यानी कि काजू को हमने छोटे छोटे डाइसेस में कर लिया है कट, 3 टेबलस्पून एक बाउल में ले लिया है कस्टर्ड पाउडर, और यहाँ 10 बादाम को भी लंबी लंबी लैशेज में कर लिया है कट। साथ में 7 से 8 पिस्ता के दानों को भी हमने कर लिया छील कर कट। तो अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी, जो हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी कर लिया ऐड। अब अपनी जो सेवैयाँ हमने ली है उसको भी कर दूंगी इसके अंदर ऐड। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे करेंगे जी कुक, जिस जब तक इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता और ये क्रंची क्रंची नहीं हो जाती है। ये देखिए जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और सेवैयाँ हमारी हो चुकी हैं बहुत अच्छे से रोस्ट, आपको दिख ही रहा होगा। तो अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं जी स्टार्ट। यहाँ ले लिया जी 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क हमने। अब ऐड करेंगे अपनी रोस्टेड सेवैयों को इसके अंदर और मीडियम फ्लेम पे करेंगे जी इसको हम चलाते हुए कुक। ये देखिए जी, 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमें कुक करते हुए। अभी हमारी सेवियां जो है वो दूध के साथ कर रही हैं दोस्ती। तो अभी आपको बारीक बारीक नजर आ रही होंगी ना इसके अंदर, कभी थोड़ी देर में जब ये प्लफी हो जाएंगी तो इनका साइज भी डबल हो जाएगा और दूध के साथ दोस्ती होने के बाद ये बहुत ही क्यूट भी लगेंगी। तो अभी हम इसे 5 मिनट और कुक करेंगे जी मीडियम फ्लेम पर। यहाँ देखिए जी, हमारी सेवियों ने कर ली है दोस्ती मिल्क के साथ। अब ऐड कर देंगे हम अपनी शुगर को इसके अंदर। आप कम या ज्यादा मीठा अपने हिसाब से लीजिएगा, आपको जैसे भी पसंद है। मुझे तो मीठा बहुत पसंद है इसलिए मैंने मीठा डाला है जबरदस्त तरीके से। अब हिलाते हुए साथ में करते जाएंगे जी यहाँ हम चीनी को मिक्स, और मीन वाइल हम अपने कस्टर्ड को भी करेंगे जी साथ साथ मिक्स। तो यहाँ जो हमने कस्टर्ड लिया हुआ था जी, उसमें ऐड करेंगे हम मिल्क को। 3 टेबलस्पून मैं ठंडा मिल्क इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और स्पून की हेल्प से करूंगी मिक्स, ताकि कोई भी लम्स नहीं रहे। हमारी अच्छे से चीनी हमारी अच्छे से हो चुकी है जी डिसॉल्व इसके अंदर, आप देख सकते हो हमारी सेवैयों और दूध के अंदर। अब इस पॉइंट पे जो कस्टर्ड मैंने मिक्स कर लिया था उसको करने लगी हूँ जी ऐड, और अच्छे से करेंगे मिक्स और कुक भी हम मिलाते हुए इसको, ताकि कोई भी लम्स नहीं रहे। हाँ जी, तो देख सकते हो कि कस्टर्ड हमारा जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है हमारी सेवैयों और मिल्क के साथ, इसकी हो चुकी है फ्रेंडशिप। इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे जी हम ड्राई फ्रूट्स को, जो मैंने चॉप्ड एलमंड्स और कैशूज रखे हुए थे, साथ ही पिस्ताचू को भी यानी कि पिस्ता को भी कर देंगे जी इसमें ऐड और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। सिर्फ 1 से 2 मिनट्स और हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, तो कि जो ड्राई फ्रूट है उसमें भी इसका जो है फ्लेवर आ जाए हमारे सेवैया कस्टर्ड का। विद इन फ्यू मिनट्स आपका ये बनके रेडी हो जाता है, एक बेहतरीन सा स्वीट। आप अपने गेट्स को गेट टुगेदर में भी सर्व कर सकते हैं इस सेवैया कस्टर्ड रेसिपी को, और किसी फेस्टिवल में भी बनाकर कर सकते हैं इंजॉय। अगर आप बाहर से मीठा लाकर नहीं यूज करना चाहते तो घर का बना हुआ बिल्कुल हेल्दी मीठा आपका जो है वो हो चुका है रेडी। अब इसको होने देते हैं जी ठंडा, फिर मिलते हैं आपसे। सेवैया कस्टर्ड हमारा हो गया था जी ठंडा, कर दिए इसे सर्विंग बॉल में ट्रांसफर। डिश आउट करने के बाद इस पे हमने बादाम काजू और पिस्ताचू से करा है इसे डेकोरेट। देखने में लग रहा है ना बहुत ही बेहतरीन सा बना, भी बहुत जबरदस्त है।
सेवैया कस्टर्ड रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। मस्ट ट्राई दिस रेसिपी एंड डू राइट इन अस कमेंट कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।